कल ही होनी चाहिए थी, लेकिन कल थोड़ा सा कल भी वैसे ही हो गया, इसलिए कल नहीं कर पाए। तो आगे क्या रूपरेखा बन रही है, तो उसी के बारे में एक स्टेप थोड़ा सा आगे जाएं, और आज ही थोड़ा सा तो वो है आइडिया। और भी आने वाले हैं साथ में, या आप बोल रहे थे ना? वो वहीं छोड़ते हैं, वो वहीं भी पॉसिबल है उनके पास। हाँ, संडे को पॉसिबल है? नहीं ये नहीं, लेट वो भी वहीं छोड़ता। हाँ, तो फिर कैसे प्रारूप बनाएगा फिर उनका? वो तो सदस्यता में तुम्हारी मदद हो, बड़े बड़े छोड़ दो नहीं। सदस्यता तो ठीक है, लेकिन पहले तो अपने को वो जो कॉरम है ना, पहले तो उसको ही पूरा करना अभी बाकी रह गया है। फॉरम के लिए आपको 9 लोग चाहिए इनिशियली, चलेगा, 7 भी होगा मतलब चलेगा, लेकिन अगर 9 हो रहते हैं तो थोड़ा सा अच्छा रहता है, उसमें क्या एक मेजोरिटी भी रहती है। और 5 तो हम थे, माखन जी भी ज्वाइन करेंगे। माखन हो गया, थोड़ा सा माखन को थोड़ा गाइड कर दीजिए, थोड़ा सा बता हाँ, तो पहले परिचय हो जाए थोड़ा सा। माखन है और काफी एनर्जेटिक है, और मतलब सोसाइटी के लिए काम करने के लिए, सामाजिक काम करने के लिए हमेशा तत्पर रहता नहीं, खैर ऐसे यूथ की तो हमें बहुत हमें जरूरत है। विशेष जरूरत हाँ, है। विशेष आप जरूरत है। आपका नाम माखन है? जी। ओके, देखिए माखन, मैं डॉक्टर राघवेंद्र सिंह हूँ, तो शायद मेरे हिसाब से मैं ही यहाँ पर नया हूँ आपके लिए। बाकी ये सर्वेश जी हैं, ये गुप्ता जी हैं, ये दिनेश जी, इनको तो आप जानते ही होंगे, ठीक है ना? तो यहाँ पर इकट्ठे होने का जो हमारा पर्पस है, वो थोड़ा सा तो आपको बता दिया गया होगा, बाकी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। माखन, हम लोग यहाँ पर, पता नहीं मेरी गंदी आदत पड़ चुकी है मैं, अगर क्योंकि उम्र के लिहाज से अगर बेटा बोलूँ परेशानी तो नहीं होगी आप? कोई नहीं, आदत ऐसी पड़ चुकी है, यू विल नॉट बिलीव। वो आप बच्चों को पढ़ाने में या वो फिर सारी चीजों में तो वो भी है, वो क्या मतलब जैसे देखा, अब मुझे नहीं लगता कि 22-25 साल से ऊपर ज्यादा हो गई आपकी। व्हाट इज योर एज? क्या है? 20 हैं? 20 हाँ बताइए। अरे इनफैक्ट मेरी भी आदत है सर, बेटा वाले को छोटा सा, इसके कहने से पहले मैं आपको बता दूं इसे कहानी क्या है, क्यों मैं ये इसको पहले गुस्ताखी के लिए माफी चाहूंगा, चाय से लीजिए। अहमदाबाद में, आई वॉज इन एयरफोर्स, तो अहमदाबाद में हमारे कमांडिंग ऑफिसर था, विंग कमांडर सूद, एज काफी थी, करीब 56-57 के आसपास, 3-4 साल अब जिस उम्र में हूं मैं उससे बड़ा होगा। तो बेटा बैठ जा थोड़ी देर, अभी टाइम है, अभी चला जाना, या जाना चाहे तो चला जा, ऐसे कर ले। तो 57-58 के आसपास उनकी गिनती 56 होगी। अब जिसको भी वे वो काम करने वाले होते थे तो सबसे बेटा, सबसे बेटा, जैसे अपने यहां तो पढ़ेगी है बेटा के नहीं, तो एक दिन कमांडिंग ऑफिसर बराबर में खड़े, अब वो था जो कमांडर सू जो थे, वो थे कू चीफ ऑपरेशन ऑफिसर। चीफ ऑपरेशन ऑफिसर जो होता है वो कमांडिंग ऑफिसर के बाद में आया, उसका नंबर आता है, मतलब नंबर 2 OC होता है, CO होता है वो। नंबर 1 मींस कमांडिंग ऑफिसर, नंबर 2 मींस चीफ ऑपरेशन ऑफिसर। तो वो हमेशा कू रहता था, और अगर CO मिसिंग है तो वो हमेशा कमांडिंग भी करता था। दैट डे ही वॉज जस्ट स्टैंडिंग बाय द साइड ऑफ CO, CO बैठे हुए थे वहां पर, कुछ डिटेल वगैरह बता रहे थे उसको, तो मुंह से निकल रहे, बेटा आप जो CO की तरफ को देगी तो थोड़ी सी शिफ्टी बिट्टी गुम हुई, तो CO जो, यस मिस्टर सू, यस बिंगो सू, एनी प्रॉब्लम? अब उसको दिमाग में आया कि ये तो बेटा तो रहे नहीं तो CO है, अब उसको क्या बोले जा रहा है, वो सर एक्चुअली में सॉरी सर, एक्चुअली आई एम इन द हैबिट ऑफ कॉलिंग बेटा एवरीबडी, सो आई जस्ट फॉरगॉट whether CEO is sitting here or not. बोला नो ब्रो इट्स ओके। और हम वहीं पे खड़े हुए थे, तो कभी कभी ऐसी वो बन जाती है,
عادت پڑ جاتی ہے کہ پھر وہ چھوٹی مشکل ہو جاتی ہے. چلو اینی anyway. تو اس میں ماکھن ہم لوگ جو اس میں اکٹھے ہو رہے ہیں ایک بہت ہی نوبل کاز ہے, اور آئی تھنک آپ بھی اس کی اپریشیٹ بھی کریں گے اور آپ بھی سمجھیں گے اس کی بہت ضرورت ہے سماج کو. ہم ایک ایسا گروپ کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں جو کہ نان پروفیٹیبل ہے, نان انٹرسٹ ہے, سیلف انٹرسٹ, مطلب نان سیلف انٹرسٹ کہہ سکتے ہیں, اور جو سماج کے لیے پورا طرح سے پورا ڈیڈیکیٹڈ ہو. اب اس میں ایک کام نہیں ہے اس کی, ابھی تک تو آپ نے دیکھا ہوگا جیسے مان لیا کوئی این جی او ہے تو وہ اولڈ کے لیے ہے, کوئی اناتھوں کے لیے ہے, کوئی لڑکیوں کے لیے ہے, کوئی غریبوں کے لیے ہے, یا کوئی ایس سی ایس ٹی کے لیے, اس طرح کا. لیکن اس آرگنائزیشن کو ہم بالکل ڈفرینٹ روپ میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ سماج کا کوئی بھی دکھی ویکتی, کوئی بھی دکھی ویکتی کسی طرح سے بھی پیڑت ہو سکتا ہے, وہ کسی اتھارٹی کا ستایا ہوا ہو سکتا ہے, وہ کسی اسماجک تتو کا ستایا ہوا ہو سکتا ہے, وہ کسی اپنی پارورک پریشانی سے دکھی ہو سکتا ہے, یا اور کسی سماجک پریشانی سے دکھی ہو سکتا ہے, بیماری سے دکھی ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے سم ٹائمس نیائے اس کو نہیں مل رہا ہے, نیائے کے لیے دکھی ہو سکتا ہے, پولیس کے ڈر کی وجہ سے دکھی ہو سکتا ہے, اسامجک طور سے مطلب مالی کسی کی بیٹی ہے یا کوئی ایسے ہے اور وہ کسی اسامجک طور سے پریشان ہے, لڑکی جاتی ہے کوئی چھیڑتا ہے اور وہ کہاں جائے کس سے کہے, اس طرح کی کوئی چیز ہے. تو ہم اس آرگنائزیشن کو ایک اس سپورٹ کے طرح سے کھڑا کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس آئے اور ہم سے شیئر کرے اس پریشانی کو, اور ہم اس کے ساتھ میں کھڑے ہوئے نظر آئے وہاں پر. یہ ایک نوبل کاز ہے, اس کے لیے ہم لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں. تو اس میں بالکل ہم انیشل اسٹیج میں ہیں. پچھلی بار ہم لوگوں نے ایک نام کے لیے پورٹ فولیو ہم نے ڈیسائیڈ کر لیے ہیں, ابھی سب تک کے کام کریں گے. اس سنستھا کو ہمیں رجسٹرڈ بھی کرانا ہے اور لوگوں سے ملنا ہے, لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جوڑنے کی کوشش کرنی ہے. اس میں ہر گروپ کے لوگوں کو ہماری کوشش ہے کہ اس کے ساتھ میں ہم لوگ جڑے ہوں. جس کو ہر لوگ گروپ کے ساتھ میں جڑے ہوئے ہوں گے تو ہمیں, کیونکہ ہر کسی سے مدد کی امید ہے, تو اگر پولیس والوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے, وکیلوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے, ایڈمنسٹریشن کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے, ایجوکیشن والوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے, ویاپاری ورگ سے جڑے ہوئے ہوں گے, اسٹوڈینٹس ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے, تو ہر گروپ کے ساتھ میں ہمیں جڑنے کی ضرورت ہے. یہ ایک ہمارا پرپس ہے اس گروپ کو اسٹارٹ کرنے کا. بالکل انیشل اسٹیج میں آج سیکنڈ میٹنگ ہم لوگوں نے رکھی ہے, تو آگے بڑھانے کے لیے چیئرمین صاحب سروس ہی ہیں, سیکرٹری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے سامنے, اور یہ دھن سمپدا ان کے پاس رہے گی, ہے نا. تو کہ یہی تو چیز ہے بھائی, تو برہما وشو مہیش, تو ان کا تین ہوگا تو ہم نے کر لیا ہے, باقی ہم جو ان کو دھکا لگانے کے لیے پیچھے کھڑے ہوئے, یہ بھی کہتے ہیں دھکا مضبوط ہے, پر پیچھے جو سپورٹ ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے, آگے چاہے ایک بار کو نظر آنا چاہیے لیکن دھکا جو سپورٹ ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے. تو اس سپورٹ کے لیے ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. سنتوش جی آئے نہیں ہیں, ان کو ہم نے جوائنٹ سیکرٹری بنا دیا ہے نا, ایجنٹ, اور باقی پھر ایک ہی پد بچتا تھا وائس چیئرمین کا, تو پھر میں نے لے لیا ان کے پیچھے کھڑے ہونے کے لیے. چنتا نہ کریں آپ, آپ آگے چلے, پیچھے ہم ہیں آپ کے, ٹھیک ہے. تو اور اب آگے مکھن جی کا جہاں تک مجھے معلوم ہے وہ مطلب باقی ساری چیزوں میں بالکل ڈیووٹیڈ ہو گئی, وہ چہرہ بتا رہا تھا اس ینگ ایج میں جو یہ فیلنگ ہے نا آتی نہیں ہے سر, وہ ہوتی نہیں ہے ایکچولی, لیکن یہ اتنا سوچ کر کے یہاں بیٹھنا اپنے آپ میں سروس یہ شو کرتا ہے کہ بچہ جو ہے ابھی سے ہی مطلب اس کی ڈائریکشن دوسری ڈفرینٹ ہے. اچھا کورم کے لیے ٹیم میں میرے دماغ میں ایک تھا وہ آج آ نہیں پائے, نوین مشرا جی سے بھی میں نے بات کری تھی, وہ بھی سمے دے سکتے ہیں اپنے کو, ہے نا. آپ سر سے تھوڑا سا پریچے نہیں ہوں گا پر وہ کسی کارن سے مل نہیں پایا, آج ان کو بھوپال جانا, تو ان کو میں نیکسٹ میٹنگ میں بلاتا ہوں, تو
हाँ तो नेक्स्ट मीटिंग भी हम लोग जल्दी कर लेंगे, नो प्रॉब्लम, चाहे उसको सैटरडे कर लें हम लोग, चाहे संडे कर लें, नो प्रॉब्लम, संडे को हम कर लेंगे, दैट्स नॉट बिग इशू। मिश्रा जी से आप भी परिचित हैं, मंथन जी हैं, तो एक वो देंगे, और कोई अगर ऐसा है तो अपन और उनको बढ़ाएं। और नेक्स्ट स्टेप कोरम तो खैर है ही, अब आपके आप आगे का सजेशन आप बताएं कि किस तरह से होना है। इसमें उस दिन हम लोगों ने जो काम कर लिया था वो ये हो चुका था, चेयरमैन सर्वेश्वरी हो गए, वाइस चेयरमैन में मेरा नाम आ गया, सेक्रेटरी अरविंद गुप्ता जी हो गए, ज्वाइंट सेक्रेटरी संतोष हो गए, और ट्रेजर ये हो गए, तो पांच इसके अंदर आ गए। उसके बाद में जो आगे का कोरम पूरा करना, उसमें मेंबर्स होते हैं, चार मेंबर और या दो मेंबर जो भी हैं, तो मेंबर्स के मैं आगे एक तो नाम लिख लेते हैं, है ना, माखन जी हैं, और नवीन मिश्रा जी से मेरी बात हो गई है, वो भी हमको ज्वाइन कर लेते हैं। हाँ, पूरा नाम क्या लिखते हैं माखन आप? माखन सिंह परमार। माखन सिंह परमार, अपना मोबाइल नंबर मुझे दे दें प्लीज। 9009992260। आप तो सीहोर से बिलोंग करते हैं, सीहोर से होंगे ना आप? नहीं, हाँ मैं वैसे साजापुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, कालेबल तहसील ग्राम से। साजापुर यहाँ से दूर है क्या? नजदीक बॉर्डर चला है, दूसरी डिस्ट्रिक्ट है। ओके, नजदीक है। तो यहाँ पे कैसे आप? यहाँ पे सर एजुकेशन, एजुकेशन के आप एजुकेशन कर रहे होंगे? हाँ। क्या कर रहे हैं? मेरा बीए फाइनल है। बीए फाइनल चल रहा है, कहाँ से कर रहे हैं? मैं प्राइवेट कर रहा हूँ। प्राइवेट डिस्टेंस, डिस्टेंस एजुकेशन, कौन सी यूनिवर्सिटी से? बी बी यू से। उसके अलावा भी यहाँ पे क्या कर, डिस्टेंस के बाद प्राइवेट करने के बाद कोई जॉब वगैरह नहीं कर? नहीं, अभी जरा आई टी आई भी इसने किया। आई टी आई किया। बीए में क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं आपके? पॉलिटिकल साइंस से आपके और क्या है? सोशियोलॉजी। गुड, ओके, और हिंदी लिटरेचर। तो सर ये तो मेंबर ही हो गए, नवीन जी का नाम लिख लीजिए, नवीन मिश्रा। हाँ, मिस्टर नवीन मिश्रा जी, उनका कॉन्टैक्ट नंबर कुछ बताओ। आपके पद क्या है यहाँ पे संस्था में, आपका पद बताएं। नहीं, आज वो अभी डिसाइड, उसको अभी डिस्कस कर लेंगे ना, वो ड्यूटी जो है 999 3 0 4 8 3 2 8 4 8 3 2 8 उसके अंदर क्या क्या काम है वो तो आज की बात। ओके, तो चलिए पांच और दो सात तो ये हो गए, ठीक है ना, बेसिक तो रिक्वायरमेंट हमारे यहाँ से पूरी हो जाती है, लेकिन इसके अलावा अगर कोई मेंबर वगैरह आएंगे तो उनको भी हम लोग जी। ये तो अगर ये कार्यक्रम अपन जैसे मीटिंग वगैरह रखेंगे या तो संडे को या फिर जो एक पार्ट टाइम कहते हैं ना, ये सभी चीजों से अपन अपने अपना सोर्स ऑफ इनकम का जो भी काम होता है, जॉब होता है अपना, उससे फ्री होके जो भी टाइम होता है उसमें अगर करें तो सब लोग मिल सकते हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं मिलते वो टाइम आपका? तो मेरे ख्याल से मत देखिए,
अभी हम सात है ना, सातों का टाइमिंग मैच करना बड़ा मुश्किल है. अभी जो हम पांच है उसमें से देखिए आज छह हो गए. अभी सातवां व्यक्ति किसी कारण से उनका व्यक्तिगत और उनको जाना था भोपाल, मुझे मालूम है, नहीं तो मैं उनको बोलता फोर्स दी गया वो खान छोड़ ये जरूरी है. तो मतलब कहीं ना कहीं बैठे बोले सर मैं आने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नहीं, वो समीकरण कभी भी ऐसे किसी के साथ ना सदस्य जगदीश नागर जी उनका भी नाम लिख देते हैं. मेरे ख्याल में वर्मन की समस्या रहेगी अपने को आगे भी कभी कभी, मतलब अगर हम सब मिल गए मतलब उससे बड़े तो वो सुहागा है, फिर वो सुहागा रहेगा अगर हम सब रहा करेंगे. उनका मोबाइल नंबर जगदीश नगर एक दिन साथ में वो सब समझ रहे थे लेकिन टाइम क्लियर नहीं था हमारा. अभी इच्छा है उनकी, बहुत अच्छी बात है सर. 9 बहुत वर्किंग भी है 9 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
मैक्सिमम 9 टोटल मेंबर 10 है, ज्यादा नहीं। तो एक या तो बलराम होंगे या कमलेश वर्मा होंगे, दोनों में से एक होंगे। अब डिसाइड कर लें आप। पर वो जो थोड़े से पंचुअल देखना बड़ा कौन ज्यादा समय की वो रहेगी, बलराम भाई बहुत, बलराम भाई बहुत व्यस्त बहुत रहते हैं, समय का बहुत रहेगा, समय का रहेगा। मेरे साथ माखन की नजरों में अगर कोई दूसरे ऐसे हो तो वो भी सजेस्ट कर सकता है। एनी हो देख लीजिए, अगर लगता है तो चलिए देख लीजिए, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। तो आगे की कार्रवाई, चलो ये तो मेंबरशिप की अच्छी होगी, सदस्य कम से कम 3 तो हम लोग बढ़ गए हो है ना आज की डेट में, ये प्रोग्रेस भी कम नहीं है, ग्रोथ हो रही है, स्लो एंड स्टडी ऑलवेज विंस रेस। अब यूरिया डालते हैं ना, हाँ मिल नहीं रहा है, उसी की तलाश है अपने। इसमें सर संविधान के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं, तो उस दिन थोड़ा सा जो पॉइंट रह गया था, एक तो ये था कि दो ये जो बॉडी जो हमारी होगी मैनेजमेंट बोर्ड कमेटी है जो बॉडी है उसको हम दो लेयर में रखने की कोशिश कर रहे हैं, एक इनर लेयर होगी और एक आउटर लेयर होगी। जो इनर लेयर है वो वर्किंग उसके द्वारा होगी और आउटर लेयर जो होगी वो सुपरविजन के पार्ट में रहेगी। एक तो हमारा ये एक रूपरेखा है, 2 साल में इसका एक बार इलेक्शन हुआ करेगा, 2 बार चुनाव, 2 साल में एक बार इसका चुनाव होगा। और जो इसके बाद जब चुनाव होगा, ये तो अब हो चुका है ऑलरेडी, जब 5 लोग हो चुके हैं या इसमें 8-9 आ चुके हैं, इसके बाद जब अगली बार होगा, मैं एक मिनट टोक रहा था, हालांकि वो कोई मैटर नहीं है इलेक्शन, लेकिन ये जो रूल्स होते हैं ये हमारे बनाए हुए हैं संविधान, या फिर हमको वो फॉलो करना पड़ेगा जहां से हम रजिस्टर्ड? नहीं, वो भी करना पड़ेंगे सर। देखिए ऐसा होता है इसमें सर्वेश जी, जो मुझे अनुभव है, आपका भी अनुभव कोई कम नहीं है, लेकिन जो मुझे अनुभव है कि वो रूल्स भी होते हैं साथ साथ उसमें एडिशन हर सोसाइटी का अलग अलग होता है। मान लीजिए अगर मैं कुछ चीज और चेंज करना चाहता हूं, मान लीजिए 2 साल का है, बिल्कुल जरूरी नहीं 2 साल में हो, हम 3 साल में भी कर सकते हैं। हाँ, मतलब वो, वो, हम 4 साल में भी कर सकते हैं, रजिस्टर्ड हो गए हम, वो जो हमको बताएंगे वो हमको फॉलो करना पड़ेगा। नहीं, वो तो भी सही है, लेकिन उसमें कुछ मैनिपुलेशन हो जैसे होते हैं, चेंजेबल होते हैं। जैसे मान लिया अब ये तो कोरम हो गया, 5 जो है पोर्टफोलियो होल्डर होते हैं, ये उन्हीं का कॉरम है, ये हमारा नहीं है। यानी एक चेयरमैन होना चाहिए, एक वाइस चेयरमैन होना चाहिए, एक जॉइंट सेक्रेटरी, हाँ एक सेक्रेटरी, सेक्रेटरी उन्हीं की बात करो, हमारा इधर तो कोई मैटर नहीं रहा। हाँ, एक सेक्रेटरी उन्हीं का, ये तो उन्हीं का हमारी टीम है, लेकिन एक जो औपचारिकता जो उनके साथ हमको करना है, फॉर्मेलिटी जो ना औपचारिकता जो, ये मैं उसी कॉरम की बात कर रहा हूँ, ये उन्हीं का कॉरम है जो मैं बता रहा हूँ। अभी तक जो भी आपको जब बात भी कर रहा हूँ तो ऑलमोस्ट ये उन्हीं की बातें हैं जो कहें, उनको भी मानेंगे, और कुछ इनकेस अगर हमें लगेगा कि इसको हम और सॉलिड स्तर से बना सकते हैं तो उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, दिस नो रिस्ट्रिक्शन एट ऑल, वो हम अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हैं, दिस नथिंग लाइक दिस, हम उसमें चेंज नहीं कर सकते। मान ली अगर उनका ये है कम से कम 2 साल बाद में इलेक्शन हो, तो हम 3 साल में करना चाहते हैं 3 साल में कर सकते हैं। हाँ, नहीं मतलब वो उनका कुछ रेस्ट्रिक्शन भी है, इसीलिए मैं बोल रहा था कि वो शायद बोलते हैं कि 3 साल में होना, कंडीशन होना,
वो फिर शायद वो जिसमें कि जैसे मेरे पास अभी सोसाइटी का मैं अभी कल भी हुआ था मीटिंग थी हमारे यहाँ पर संडे को थी उसको, उसमें क्या है हर दो साल बाद में इलेक्शन होना है। अच्छा। पांच मेंबर्स होने ही हैं। अच्छा। इसमें क्या है कि जो तीन मेंबर हैं वो मेन हैं, जैसे कि चेयरमैन हो गया, सेक्रेटरी हो गया और ट्रेजरर हो गया। थ्री पोर्टफोलियोज आर मेन, किसी भी सोसाइटी में तीन पोर्टफोलियो होते हैं, साइनिंग अथॉरिटी होती है इनके पास। तो इनका क्या होता है कि जैसे नेक्स्ट इलेक्शन होगा तो जो तीन व्यक्ति हैं वो अगले टेनवर में इलेक्शन नहीं लड़ेंगे उस पोस्ट के लिए, वो मेंबर्स में जा सकते हैं। हाँ। मेंबर्स अंदर आ सकते हैं, एक्टिव पार्ट ले सकते हैं, मतलब दो कंसेक्यूटिव टेनवर्स। मान लीजिए अगर एक टेनवर दो साल का है तो दो टेनवर लगातार वो नहीं रह सकते, उसे ब्रेक करना पड़ेगा। वही मैं चाह रहा था, दो साल के बाद में इसका इलेक्शन करेंगे हम लोग। और जो नाइन मेंबर्स हैं वो नाइन मेंबर्स को पहले चांस दिया जाएगा अंदर आने का, मेरी जो सोचा वो ये है। क्योंकि मैं तो मान लिया अगर मैं आज वाइस चेयरमैन हूं तो कल लाख माखन भी ये चाहेंगे कि सर मैं भी तो वाइस चेयरमैन बन के देखूं कि क्या होता है। हाँ, सभी को मौका नहीं, तो उसमें उस केस में आई शुड एक्सेप्ट टू बिकम एज मेंबर एंड ही मस्ट बी गिवन चांस टू बिकम एज वाइस चेयरमैन, जिससे कि जो वो बॉडी है उसके पास में टॉलरेंस पावर भी का भी एक्सपीरियंस हो जाए और वर्किंग का एक्सपीरियंस भी हो जाए कि वाइस चेयरमैन की क्या ड्यूटीज होती हैं या चेयरमैन की क्या ड्यूटीज होती है। हर किसी को उसमें चांस मिलना चाहिए, दैट आई मीन टू से। तो अगर मान लिया मैं आगे चेयरमैन, हाँ अगर मैं मान लिया वाइस चेयरमैन हूं इस बार, तो अगली बार मैं वाइस चेयरमैन नहीं बनूंगा, आई कैन नॉट फाइट फॉर द वाइस चेयरमैन, देन जो बाहर वाले जो मेंबर्स हैं उनको वो चांस मिलेगा। सो लाइक दिस विल गो है, एक तो इसमें यह है। दूसरा क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि एक इंटरनल लेयर है, एक आउटर लेयर है, दो लेयर है, तो उसमें हमारा इंटेंशन यह है कि इन केस हमें यह लगता है कि जो बाहर जो आउटर लेयर वाला है वो ज्यादा एक्टिव लग रहा है और मैं उतना एक्टिव नहीं हूं, ये मेरा सजेशन है। अब ये बॉडी पर डिपेंड करता है कि आप लोग क्या उसको देते हैं। इन केस मुझे ये लगता है कि प्रज्वलित बलराम जी आउटर वाले में हैं और वो रिसोर्सफुल हैं और वो से भी एनर्जेटिक हैं, ठीक है, चाहे टाइम एक बार को ना दे पा रहे हूं बट हैं रिसोर्सफुल। मेरे 10 बार जाने से काम होगा, उनके एक बार जाने से काम हो जाएगा, बट दैट पर्सन इज आउट ऑफ दैट बॉडी, तो उसके रहने दिमाग में तो ये आता ही है, ठीक है भाई इंटरनल बॉडी में तो मैं हूं नहीं, मैं तो आउटर बॉडी में, मेरा काम तो सुपरविजन का है, लेट देम डील। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, उसको खत्म नहीं कर सकते हम लोग। तो वहां पे मुझे अपने इंटरेस्ट को छोड़ करके नेक्स्ट टाइम पर ये कोशिश करनी, हम सब एक साथ बैठे और ये कोशिश करें बलराम जी जो है जो कि बाहर बैठे हुए हैं आउटर वाले में, उनको अंदर लेकर के आना, क्योंकि उनके रिसोर्स है। वो जिस तरह से नरेंद्र मोदी का हुआ है, नरेंद्र मोदी सेंटर में कहीं भी नहीं था और वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर, लेकिन ये लगा कि ये व्यक्ति जब गुजरात में इतना वो कर सकता है उसको सेंटर में लेकर के आया जाए, और वो आया। अब वो आगे क्या होने वाला है वो एक बात अलग है, लेकिन एट प्रेजेंट जो आज की जो पिक्चर है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो मैं उसी चीज को मानने वाला हूं कि अगर मान लिया हमें ऐसा लगता है कि हमारे मेंबर्स बहुत ज्यादा एक्टिव है हमसे, या हमारी जो आउटर बॉडी जो काम सुपरविजन में है उसमें अगर कोई ज्यादा एक्टिव है तो उसको इंटरनल बॉडी में लाया जाए एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए। एक तो ये मैं उसमें चाह रहा था, अगर आप लोगों की एक तो इस क्लॉज को मैं इसमें चाह रहा था डालना। दूसरा क्या है कि हम मैक्सिमम कोशिश ये करें, जैसे कि पहले से हम लोग सोच रहे हैं कि रिसोर्सफुल लोगों को तलाश करें हम लोग। देखिए मेरी जितनी पावर है मैं उतना करूंगा, सर्विस जी की इतनी पावर है सर्विस जी करेंगे, गुप्ता जी की पावर नहीं गुप्ता जी करेंगे, या सभी हम लोग अपनी कोशिश तो करेंगे, लेकिन अगर हमारे पास में एक रिसोर्स नहीं होगा, यानी पावर वाला पावरफुल वाला, तो फिर हमारे काम जो है ना वो हवा में रहेंगे, वो धरातल पे नहीं आ पाएंगे, मेरा जो मानना है। तो हम मैक्सिमम ऐसे लोगों को चाहे तो पैटर्न बनाने की कोशिश करें अपनी सोसाइटी में, गार्जियन बनाने की कोशिश करें उनको सोसाइटी में, ऑनरेडी पोस्ट देने की कोशिश करें उनको पार्टी में,
यानी उन पे एक ऐसा ठप्पा लग जाए कि भाई आप भी यहां के एक एक्टिव मेंबर हैं। तो यहां पे मैं सजेस्ट करूंगा कि कम से भी कम दो पैटर्न इंटरनल बॉडी के अंदर और दो पैटर्न आउटर बॉडी के अंदर, हम चार पैटर्न को रखें और वो एक जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का है उनसे हम लोग उनको लिखित के लाएं, उनसे कहें कि सर हमारी एक बॉडी है और हम ये चाहते हैं कि उसका एक पैटर्न हम आपको बने। तो पैटर्न मींस वैसे उसके पास में लीगल पावर नहीं होगी, टेलिंग वेरी फ्रैंकली ही विल नॉट हैव द लीगल पावर, बट ही विल फील कि यस आई एम ऑल्सो एन एक्टिव पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी। जैसे कि ऑनरेरी बेस पर उनको जब सचिन तेंदुलकर को है या धोनी को है उनको वहां पे रैंक दे दिया गया, हालांकि पेमेंट नहीं मिलती उनको, ब्रिगेडियर बना दिया या ग्रुप कैप्टन बना दिया सचिन तेंदुलकर को, लेकिन वहां पर उसको पेमेंट नहीं मिलती, क्या है जस्ट एक रैंक दे दिया गया, नाउ ही इज ऑनरेरी। तो उसके बेस पर वो अगर कुछ भी ऐसा आर्मी का होगा एयरफोर्स का होगा तो वो उसको कर सकते। अगर मान लिया अपना कोई एडमिनिस्ट्रेशन में मान लिया डीएम ही है, हम इसमें कॉरम बनाए कि डीएम विल बी द पैटर्न या एसपी विल बी द पैटर्न, हुएवर एसपी कम्स हियर विल गो, हमारी बॉडी जाएगी वहां उनसे मिलेगी, एक गुलदस्ता मतलब लेकर के जाएगी, बुके लेके जाए, उनको वेलकम करे, सोसाइटी के बायलॉज बताए, सर हमारी सोसाइटी के अंदर एक प्रोविजन है जिसमें कि पैटर्न हम लोग उनको बनाते हैं, सो यू आर रिक्वेस्टेड टू एक्सेप्ट दिस पोर्टफोलियो ऑन द ऑनरेरी बेसिस। अगर हाँ एक सजेशन मेरा लेकिन जो भी कलेक्टर है वो हमेशा चेयरमैन रहे, एसपी हमेशा वाइस चेयरमैन रहे, पीपीडब्ल्यूडी मेंबर हुआ करते थे, ऐसे बॉडी बना के रखा हुआ था उन्होंने, तो करना सब कुछ सेपरेट ने था और जो उनके टीम थी जो मतलब प्रैक्टिकली फ्लोर पे काम उन्होंने ही करना है, लेकिन जब वो रहते थे उनको बुलाते थे कार्यक्रम में बुलाते थे उनकी जो मदद होती थी नगर पालिका को बोल दिया था, मतलब वहाँ क्रिकेट का मतलब हेतु वही है, उनके भी मैचेस हो रहे हैं, मतलब एक अच्छा माहौल और वहाँ पर हो जाता है वो चीज़ हो जाएगी। तो मेरी जो सोच है हम लोग इसी तरह से करते थे, मतलब मैं ट्रेजरर था, नरेश भाई जॉइंट सेक्रेटरी थे, प्रमोद काका सेक्रेटरी थे, तो हम लोग यही पैटर्न था और इसी तरीके से हम बड़ा टूर्नामेंट कराते थे। अब वो एक एक स्टेट लेवल का टूर्नामेंट होगा, ये तो छोटा सा गांव था सर, अभी थोड़ा सा दिखने लगा है अब बड़ा गांव हो गया है। नहीं जो अपनी जो बॉडी है ना कॉरम वाली जो सोसाइटी में रजिस्टर्ड जो करना है उसमें तो मैं अपने ही लोगों को चाहूंगा कि हम लोग ही रहे। नहीं नहीं वो तो ठीक है, लेकिन वो जो है एक ऑनरेरी उनको नहीं, वो मैं बता रहा हूँ कि वो एक सिस्टम था, तो ये आप जो कह रहे हो ठीक है कि वो हमारे वरिष्ठ हैं उन्हें ऊपर ऐसा और उनको वो डिग्निटी जिसे कहना चाहिए वो एग्जैक्टली वो हमको उनको देना चाहिए। तो उसमें फिर हमारे पास मान लीजिए हमने पुलिस वालों से पुलिस के कोई एसपी है यहाँ पे एसपी के पास सीधे चले गए या एडीएम है फॉर एग्जांपल, डीएम को छोड़ दीजिए, एडीएम डीएम के पास बहुत सारी पावर्स होती हैं और बहुत सारे काम होते हैं, एडीएम को पकड़ लेते हैं हम लोग, एडीएम है उनको अगर हम बोलते हैं भाई हमारे जो है उसमें आप पैटर्न का पद एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है ना, तो उनको परेशानी भी कुछ नहीं है। जब भी मान लीजिए दो महीने चार महीने छह महीने में मीटिंग हुई उनको गए गाड़ी से उनको बुला के ले आए और उनको बुके उके दिया उस तो छोड़ के चले गए, जैसे उन गाड़ियां उनके पास खुद होती हैं, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, गाड़ी तो उनके पास खुद होती है होती नहीं है, लेकिन फिर भी अगर बाई चांस वो चाहते हैं भाई हाँ आप अपनी गाड़ी भेजें हम लेकर के तो भी कर सकते हैं हम लोग। बिल्कुल सही है, और भी समाज के और भी कुछ ऐसे लोग जो कर लेंगे तो कोई बिजनेसमैन है मान लिया आपको ये लगता है कि वो बिजनेसमैन है तो वो अपने को फंड की सुविधा ज्यादा से ज्यादा जुटा सकते हैं तो उस पर भी हम लोग काम कर सकते हैं, उनको भी हम लोग इसमें शामिल कर सकते हैं, उनको हम आउटर बॉडी के अंदर ले सकते हैं,
जो चीज करने जा रहे हैं मेरे ख्याल में फिर हमको बहुत जो शहर के टॉप लोग हैं उनको तलाश करना पड़ेगा। मतलब ऐसे कहने के लिए तो अखिलेश ऐसा हमेशा तत्पर रहता है इस मामले में, लेकिन उनको जोड़ना और वो एक बड़ी बात है, वो उस चीज को स्वीकार करें। मतलब सही बात, अखिलेश कौन? अखिलेश राय साहब। अखिलेश राय क्या है? वो बिजनेसमैन है ना। अच्छा, अभी तो नगर सेठ कर रहा है। नगर सेठ वो वाटर पार्क है, सब नहीं का है। पहले तो अपन कहें कि वो बड़े बिजनेस में सीओर का वही है, शराब के पूरे जिले के ठेकेदार हैं। अच्छा अच्छा, हाँ शराब वाले तो फिर वास्तव में होगा, लेकिन उनका वो काफी और बिजनेस बहुत सारा बिजनेस है, पर वो सोशल वर्क में कभी भी कहीं कभी पीछे नहीं है किसी को। उन्होंने वैसे मना भी नहीं करते, नहीं करते, ऑफर लेके जाते हैं ना तो बिल्कुल मना नहीं करते, लेकिन आपको ये है कि हम उनको किस तरह से हम उनको जोड़ेंगे। और हम तो सब ऐसे टीम के साथ मिलके चलेंगे और सारा प्रपोजल उनके सामने रखेंगे, तो फिर क्या उनके रिएक्शन या जो भी होता है ऐसा कुछ? कई संस्थाओं में वो है, लेकिन क्या है लोगों का जो एक काम कर सकते हैं हम लोग। क्या नाम बताया उनका आपने? लेकिन मैं आपको बिल्कुल फ्रेंडली बताऊं सर, क्या होता है शहर में लोग उनसे स्वार्थ के लिए जुड़ते हैं। हाँ बस मैन वही है। हाँ सर, बस फायदे के लिए। अखिलेश राय ना, एक काम करते हैं हम लोग, इनको हम गार्जियन बनाते हैं, क्योंकि ये आज की डेट में ये इतने सक्षम है कि अगर ये डीएम और अगर इनके नाम है तो डीएम भी, इवन हम एक काम करते हैं ना, वही मतलब नाम से अगर ये अगर है तो डीएम का भी कर सकते हैं। छोटे बिरजारी का भी यहाँ के एमएलए हैं, मतलब एसपी भी है, सुरेश राय का भी है, छोटे भाई मतलब तो फिर एक काम करते हैं, इनको हम बोलते हैं कि हम एक किस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन लेकर के आ रहे हैं उसमें आप गार्जियन का एक एक्सेप्ट करने पर, गार्जियन का मतलब है कि उनको एक्टिवली पार्टिसिपेट कुछ नहीं करना है, सिर्फ फोन पे बातें करनी है। दैट्स ऑल। आई थिंक जब इतने बड़े बिजनेस में तो इतना टाइम तो नहीं निकाल पाएंगे कि भाई हमारे साथ वो चले और हमको, दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो इस तरह का व्यक्ति के जब से वो कुछ भी अगर करा जाए उनसे एक तरह से इन्फॉर्म किया जाए, उनको उनसे 5 मिनट का 10 मिनट का टाइम ले लिया जाए और बैठ कर उनसे डिस्कशन कर लिया जाए। गार्डन का मतलब यही होता है, एंड विल हम अपने ओपिनियन उनको बता दें और उनके ओपिनियन सुन लें, एक उनका फीडबैक अपने को पता चल जाए, एंड विद द वे ही वॉन्ट्स टू हेल्प अस वो अपना हेल्प भी हो जाएगी। तो गार्जियन का मतलब यह है कि ही विल बी ओवरऑल इन चार्ज, सबसे ऊंचा जो पद है वो उनको हम दे सकते हैं। बिल्कुल। आपको क्या कहना? मेरे ख्याल में डीएम एसपी ऐसे रिलेशन है कि फिर मतलब अगर कभी किसी इस तरह की हमको चीज चाहिए तो हम साल में एक बार, मतलब हम ना कहें कि हम रोज उनको परेशान। तो फिर इसमें संविधान हमें थोड़ा सा सर्विस चेंज करना पड़ेगा कि जो बॉडी है ये दो पार्ट में काम कर रही है, जिसमें कि इनर लेयर और आउटर लेयर, उसमें ओवरऑल जो उसका इंचार्ज है, ओके, जिसको हम ये कह सकते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव, एक हम नाम दे सकते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव, ओके, ही विल बी दैट पर्सन। पैटर्न नाम ना देकर के उनको एक चीफ एग्जीक्यूटिव नाम दिया जाना, सीई संविधानी इस तरह का बनाएंगे इसमें कि सीईओ या सीई चीफ एग्जीक्यूटिव जो है ही विल बी द ओवरऑल इन चार्ज ऑफ द सोसाइटी, ही विल हैव द वीटो पावर। हम ये भी कह सकते हैं ही विल हैव द वीटो पावर टू यूज हिज पावर्स। पहले तो इंटरनल है, आउटर नल है, आउटर है, दोनों होंगी, बट ही विल यूज हिज वीटो पावर। अगर उनको कहीं ऐसा लगेगा भाई यहाँ पे ये चीजें अगर कहीं चेंज करनी है तो ही कैन यूज हिज पावर, इस तरह से भी कर सकते हैं। और एक दूसरा फिर और वो दूसरा पॉलिटिकल उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। हेलो हेलो, अगर और जगह के मतलब किसी कैंडिडेट को तो नहीं कर सकते हैं? नो, इसको बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, विल नॉट बी कंसर्न विद एनी काइंड ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज। इसमें ये भी आना चाहिए नॉन
कॉन्स्टिट्यूशन में सर ये देखना, इट इज नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से इसका कोई कंसर्न नहीं है, कंप्लीटली नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है ये, बिकॉज हमें समाज की मदद करनी है, समाज की सेवा करनी है, किसी भी व्यक्ति को ऊपर लेकर के नहीं जाना है या किसी को नीचे नहीं गिराना है, हमारा काम इसमें समाज के अंदर पीस एंड हार्मनी, ब्रदरहुडनेस, उस चीज को फैलाने की कोशिश करना, ना कि हेट्रेड। और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसमें तो ये सब चीजें होती हैं, बिल्कुल उनके लिए वो जायज है, तो हमारे लिए तो ब्लॉक वाले बात है कि कहां से हम प्रेम के साथ में काम, बिल्कुल बस की दी। और इसमें फिर अगर आप मेरी बात को माने तो मतलब थोड़ा सा मेरा सजेशन है ये कि उनको हम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का उनको पद जरूर दें, कोई भी अगर ओपिनियन है उनको हम ये भी दें, वीटो पावर से मतलब ये है कि वो अपना ओपिनियन बिल्कुल डिफरेंट दे सकते हैं, ठीक है ना, उसके बाद में उस ओपिनियन को दोनों बॉडीज में डिस्कस किया जाएगा उस केस में, और अगर लगेगा कि यस उनकी बात मानी जाए तो फिर मानी जाएगी, लेकिन अगर बाय चांस अगर ऐसी चीज है कि इंटरनल बॉडी को या डेमोक्रेटिक पैटर्न पे, हाँ अगर मेजोरिटी ये चाह रही है नहीं नहीं, नहीं वो चीज सही नहीं है तो फिर नहीं, वीटो पावर सिर्फ इसलिए फॉर द टाइम बीइंग, मान लीजिए अगर ये भाई वहां पे ऐसा नहीं होना चाहिए तो वहां पे उस टाइम पर रुक जाएंगे, फिर देन विल डिस्कस, जैसे हमारा प्रेसिडेंट का, यस एग्जैक्टली, लेकिन अगर दोबारा भी अगर दोनों बॉडी ये चाह रही है कि नहीं ऐसा होना चाहिए तो फिर देन ही ऑल्सो हैज टू थिंक अबाउट इट, क्योंकि मैं मेरे दिमाग में जो सर्वे से पिक्चर घूम रही है वही है कि किसी भी व्यक्ति को एकदम अकेले को पावर ना दे दी जाए, सही है, एक व्यक्ति को अगर पावर मिल जाती है गलत निर्णय भी हो जाता है, हो जाता है, वो चाहे अनजाने में हो जाता है, कभी नहीं चाहे वो डिस्कस हो जाता, मान लिया ये ऐसी कभी बात हो सकती है कि ईश्वर ना कर कि राय जी हैं, राय जी के ही कोई ब्रदर हैं या कोई ऐसे रिलेटिव हैं कि उन्हीं के खिलाफ हमें कोई जगह चीज जानी पड़ रहा है, जाना पड़ रहा है, तो वो कह नहीं सकते कांड से परिस्थिति क्या बन जाए, है ना, और वहां पे अगर हम गए तो वहां पर परेशानी हो सकती है, बिकॉज डेफिनेटली वहां पे रिलेशन हर व्यक्ति सोचता है कि भाई यार मैं तो सर्विस करवा हूं और आप क्या कर रहे हैं, भाई इसको तो नहीं करना, तो फिर वहां पे हमें पीछे नहीं जा सकते हम वहां पर, नहीं ये तो गलत, तो वहां पर हमें देखना है कि भाई दोनों फिर बॉडीज बैठेंगी, अब निर्णय किया जाएगा कि अब यहां करा जाए या नहीं करा जाए, मेजर इंटरेस्ट क्या है, मेजर इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लिया जाएगा, और अगर मेजर इंटरेस्ट यह है कि उनकी वीटो पावर को खत्म करना है या उनकी बात नहीं सुननी है तो फिर वो उनको बता दिया जाए निर्णय, बोला यहां पे दोनों बॉडीज आपकी बात से सहमत नहीं है, मेरे ख्याल में ठीक है, अखिलेश राय जी का नाम सोशल क्यों, मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन को एक तो नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा क्या है भय मुक्त ऑर्गेनाइजेशन, मैं 15-20 मिनट में आता हूं, 20 मिनट भय मुक्त बनाया जाए, फियरलेसनेस, डर डर करके नहीं, क्योंकि अगर डर करके अगर हुआ तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, पता चला किसी की लड़की को छेड़ रहा है वो गुंडाई है तो उसने कहा हाँ तुझे मार दूंगा, तब तो फिर बड़ा मुश्किल है ना, फिर नहीं चल पाएगा ऑर्गेनाइजेशन, समाधान कहाँ होगा, समाधान कहाँ होगा, है ना, तो फियरलेसनेस भी उसके अंदर होनी चाहिए, जहां पे डेडिकेशन है जहां पे डिवोशन है वहां पे फियरलेसनेस बहुत जरूरी है, आगे निर्णय की चिंता नहीं करनी है अपने को कि भाई क्या होने वाला है, अगर हमें ये लग रहा पूरी बॉडीज को लग रहा नहीं भाई यहां पे विरोध करना, विरोध करना है फिर, और कोई नाम साथ में और जोड़े सकते हाँ बिल्कुल, और क्या,
बिल्कुल इनका तो ठीक है, मेरे घर में उसका है क्या, सही नहीं है इनको, हम लोग अखिलेश राय जी को गार्जियन लेकर के इसको हम सीईओ, इनको सीईओ हम कर देंगे। अखिलेश राय का राजनीति इसमें एक काम ही कर सकते हैं, जैसे केवल सीईओ, जैसे पार्टी का सिलेक्शन इलेक्शन होगा उसी तरह से सीईओ का भी होगा, इनकेस अगर कोई व्यक्ति और दोबारा आता है तो उसको भी उस तरह से लिया जा सकता है। साल के बाद वही बता रहा हूँ, वही चीज के ठीक है, हम दो साल के लिए मान लेंगे की चलो हमको ये पीरियड निकालना है, या तो फिर वो कह देंगे नहीं, या फिर हम कह देंगे साहब या तो आप छोड़ दो, मतलब दोनों ही बात है, या मैं हूँ या कोई भी है, बिल्कुल पता। ये जो है सीईओ जो होंगे वो दोनों बॉडीज के ऊपर है, बट इनका भी जो चेंज इलेक्शन के साथ ही दो साल में ये भी रिव्यू होने भी होगा, अगर हमें लग रहा है कि नहीं भाई इससे अच्छा आदमी कोई नहीं मिल रहा है यानी पर्सन, तो उसका ऐसा नहीं है कि दो साल बाद में हम उसको पर रिव्यू जरूर किया जाएगा। और हम भी मेरे ख्याल में जब जाएंगे काम करने के फ्लोर पे जाएंगे तो हमारी ये मतलब हम ठीक है, हम अच्छा दिल से काम कर रहे हैं, हमें नहीं चाहिए, लेकिन एक पहचान अपने आप ही जाएगी, बिल्कुल सही बात, लोगों से रिलेशन डेवलप होना शुरू होंगे, क्योंकि जब जाना है हमें किसी की मदद करेंगे तो वो हमसे जुड़ेगा, हम उससे जुड़ेंगे, बिल्कुल कल और कोई पीड़ित कोई व्यक्ति है उससे हम जुड़ते हैं वो हमसे जुड़ेगा, तो हम भी बढ़ेंगे, हमारी टीम भी बढ़ेगी, बिल्कुल सर बिल्कुल बढ़ेगी। तो बस अब वो बात यही कि हम फ्लोर पे कब जाएंगे, हम बाहर निकल रहे हैं। तो इसके लिए फिर आगे जो नेक्स्ट मुजदमामे में पॉइंट आ रहा है वो ये है कि एक तो इसका संविधान को थोड़ा सा और फाइनल करें और अपने अपने पॉइंट्स बताएं और आपके दिमाग में क्या आ रहा है, दूसरा क्या है कि इसके जो मटेरियल है पब्लिकेशंस वगैरह वो प्रिंटिंग वगैरह के लिए दिया जाए, और सबसे पहले तो वकील से बात करके, जैसे उस दिन भी हम लोग सोच रहे थे, तो यहाँ पे आप देखें किससे बात की है, अगर किसी ने बात की है अपने लोगों ने तो वो जरा देख लीजिए आप वकील से, जिसे नाम हम लोगों ने देखा है कि समाधान, तो वही नाम फाइनल है या उसके साथ समाधान एक पहल, आपने दो समाधान एक रूप, अब इनसे हम लोग संडे को अगर दोबारा मिलना चाहते हैं तो उससे पहले आप इसके लिए किसी से बात कर लीजिए कि कौन इसके लिए राइट व्यक्ति, वर्मा जी आप करेंगे कितने, वो तो आपको आइडिया होगा ना उसके बारे में कौन वकील से करते हैं। मिश्रा जी, राजीव मिश्रा जी, वो एनजीओ के लिए करेंगे, हाँ कौन सा सोसाइटी से रजिस्टर करा रहे हैं, वहीं से वहीं से। अच्छा दूसरा मैं बोल रहा था सर, मेरे ख्याल में अभी हम जब बनाएंगे तो हमको उनको पूरा मटेरियल देना पड़ेगा, तो इसमें जो आप बॉडी जो बनाए हैं उसमें थोड़ा सा चेंजेस करिए, जैसे कि चेयरमैन पे आप रहेंगे, सिर्फ इतना सा करना है, बाकी सब एवरेजेस रखिए, मैं आपको असिस्ट करूँ, नहीं वो एक्सेप्टेड नहीं है सर, वो जो मैं उसका एक रीजन बता रहा हूँ, बताइए उसका रीजन ये कि जो कॉन्सेप्ट है वो एक जो आपने पिक्चर बनाया ना वो आपके दिमाग में, सर मैं आपके पीछे खड़ा हूँ ना, आप टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं आपको इंजेक्शन लगाने के लिए जरूर हूं तो नहीं, मुंह आपका है, मुंह आपका है, बीच में बोल रहा हूं ना, आप टेंशन क्यों ले रहे हो, नहीं मैं टेंशन वाली बात नहीं, मतलब मैं जितना बेहतर समझ रहा हूँ कि आपके, देखिए सर इसका कारण ये है अतर्वेश जी, आप समझने की कोशिश करें, इसकी रूपरेखा मैं बना रहा हूं, मुझे आप प्रोड्यूसर माने लेकिन मैं डायरेक्टर नहीं हूं, डायरेक्शन आपने करनी है, आप यहाँ के लोकल रहने वाले हैं, तो मैं नहीं हो सकता हूँ, स्लाइटली चेंज कर गया, मेरे ख्याल में गुप्ता जी को ये मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि गुप्ता जी और गुप्ता जी सेक्रेटरी के लिए ही फिट हैं, वो चेयरमैन के लिए फिट नहीं है, बल्कि मैं तो इनको ट्रेजर बनाना चाह रहा था, हकीकत तो ये है, लेकिन वो पैसे जो है ना फिर उनको गड़बड़ हो जाती है, इसीलिए मैंने वहां पर थोपा, बिल्कुल नहीं समझ में आता,
इंडेक्स नीचे उतार के मेंबर में डाल दे तो बहुत बढ़िया। अभी नहीं आप सीधे उतरने चालू करते हैं। मैं बता रहा हूँ आप, मैं बता रहा हूँ आप काम में सबसे आगे आप मेरे को लीजिए, सबसे आगे चलो। मेरी भी यही सोचती कि सर मतलब काम में बिल्कुल आप जब जब तो मतलब आप अगर सेक्रेटरी बनेंगे तो काम नहीं करेंगे, इसका मतलब ये है हम ये मान के चले। नहीं नहीं सर वो तो नहीं है, ऐसी बात मुझे बता दो पहले ही, अगर मुझे सेक्रेटरी बनाया तो मैं काम करूंगा नहीं, और मेंबर बनाऊंगा तो काम करूंगा, ऐसा है तो मुझे बता दो पहले ही आप। फिर तो मिनट एक लगने वाली है, नहीं फिर तो मिनट लगेगी एक, आज ही तीस कर दूंगा मैं तो। पूरी सर्वेश जी मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ, जैसे मैं आज बोल रहा हूँ ना आपसे, मैं ऐसे ही बोलूंगा, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं होगी। आप टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं आपके पीछे खड़ा तो हूँ चेयर में, तो भाई चेयर में सर्वेश जी मैं आउटसाइडर हूँ, आप उसको माने इसका बहुत फर्क पड़ता है, मैं आपको इसका लॉन्ग टर्म वो बता रहा हूँ इफेक्ट्स। लोगों को पहले मेरे मुझे लोगों से इंट्रोड्यूस करवाइए आप, आगे बेस बनाए, आगे आप जो कहेंगे वो करूँगा, लेकिन अभी मुझे पीछे रखें, आप आगे जाएं। रूपरेखा मैं बताता रहूँगा, उसकी चिंता ना करें आप, मैं बता तो रहा हूँ, क्योंकि जब आप लोगों के पास जाएंगे ना वहां पे कहेंगे आई एम द चेयरमैन, गॉट इट, तो उनके लिए फर्क पड़ता है, पड़ेगा। मैं ये डॉक्टर राघवेंद्र सिंह है, ये चेयरमैन है, अभी कहां से आए हो, अजीब से लग रहे हो कुछ, इस जंगल के तो नहीं हो। तो मैं पीछे रहूंगा ना आपके, तो मैं कहा मैं इस जंगल का हूं ही नहीं था, वो तो इन्होंने की मेहरबानी एक्सेप्ट कर लिया है। धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूं इनमें घुलने मिलने की, और कोई बात। देखिए चेहरा जो होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टार्टिंग। नरेंद्र मोदी को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते, मैं आपको सही बता रहा हूं, अगर संघ का दबाव नहीं होता तो 100% लालकृष्ण आडवाणी या सुषमा स्वराज दो ही बनते प्रधानमंत्री हैं। वो तो क्या है, संघ ने रूल प्ले किया, अब उस व्यक्ति को उछड़ाकर वहां रख दिया, अब उसने चाल क्या खेली, उसने सब बाबाओं को इकट्ठा कर लिया, समझे समझे, उसने जो जो हिंदू ट्रंप था ना वो खेला उसने, उसकी वजह से आगे आ गया, क्योंकि बहुत जरूरी है सर ये, जो आउटसाइडर होता है ना उसको इतनी आसानी से कोई एक्सेप्ट नहीं करता, आप ये समझे। हम काम हमारा वर्किंग क्षेत्र कौन सा, वर्किंग एरिया कौन सा होने वाला, सीहोर, मैं यहां तो हूं ही नहीं, मुझे यहां की पता ही नहीं चीजें क्या ऐसे करूंगी कैसे नहीं होंगी, तो उसके लिए आपका पहले आगे आकर के गाइड करना बहुत जरूरी है, मेन बात ये है। और गाइड ही करना, मुझे मालूम है आप गाइड करेंगे, लेकिन लोगों के सामने भी चेहरा बहुत जरूरी है, मेरी बात से सहमत नहीं है गुप्ता जी, आप बताइए, आप सहमत नहीं मेरी बात से, हाँ जी आप सहमत हैं, बताइए चारों के चारों सहमत हैं। नहीं मैं आपकी बात मानता हूँ गुप्ता जी, अगर संभाल दें तो उनको तो सर्विस ही मैंने पकड़ के रखा हुआ, मैं तुम हेलो बने आज ही बैठे रहे, ऐसे वैसे बैठा है ऐसे बैठा है। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं सर अपन, हाँ वही बता रहा हूँ, मतलब फिर किसी एडवोकेट से बात की जाए, राजीव मिश्रा जी वो एनजीओ के थे, उन्होंने तो उनको हमको जो मटेरियल देना होगा, मेरे घर में जो हमारा बैलेंस
सेक्रेटरी साहब का काम पूरा मैं करूंगा, डोंट वरी। सेक्रेटरी साहब का काम मैं करूंगा पूरा, नो प्रॉब्लम। मतलब बैलेंस अपना रेडी हो जाता है। हाँ। तो हम फिर उनको ये सब देके उनको दे देते हैं और उनके उनसे डिस्कस कर लेते हैं कि क्या फीचर्स वगैरह आएगी। हाँ। ये सर भोपाल से होगा कोई बात, क्योंकि यहाँ ऑफिस नहीं है उसका। वो रजिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी मेरी, मैं करा दूंगा। शशि सिंह है ना रजिस्ट्रार, यहाँ पे होती है, मेरे पास नंबर, मैं जानता हूँ उनको पर्सनली, पर्सनली जानता हूँ, वो कोई दिक्कत नहीं। आप सिर्फ उनसे इतना मालूम करवा लीजिए कि जो नाम है हमारा, ये सर्च आउट करा लीजिए कि ये जो नाम है ना, मैं सब वो नोट कर लेता हूँ सर, आपने क्या क्या आपने बताए हैं उनसे एक बार डिस्कस कर लूंगा, क्योंकि जब ये नाम फाइनल हो जाएगा ना तो हम उसको लॉक कर देंगे। ये नाम लॉक हो चुका है सर, उसमें ऑप्शन फिर भी देने, ऑप्शन देना, हाँ बता रहा हूँ ना, तीन दे रहे हैं ना हम लोग, तीन तीन होती है, तीन होते हैं मुझे मालूम, वो मुझे सब पता, तीन ऑप्शंस हैं। उस दिन हमने ये सोचा था ना, समाधान एक विकल्प, पर सबसे पहले समाधान ही रखें आप, सबसे पहला नाम तो समाधान रखें। मुश्किल है सर, मुझे भी कोई है कहीं ना कहीं ध्यान आ रहा है, लेकिन मैं अभी एजेंसी बता रहा हुआ है ये नाम पहले समाधान, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं, हम अप्लाई तो कर रहे हैं समाधान। ओके, उसके बाद समाधान एक विकल्प, पहल एक पहल, एक पहल पहल एक पहल को अपन बाद में अगर कोई ऐसा कॉपीराइट तो है नहीं जी, हम उसको कभी चाहेंगे तो उसको छोटे में भी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, कॉपीराइट तो है नहीं वो, एक पहल या समाधान द रेवोल्यूशन करके दे सकते हैं, समाधान द रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन मतलब परिवर्तन होता है, REVO LUTION द रेवोल्यूशन, ऐसे वो थी ना पिक्चर गदर, एक प्रेम कथा, तो समाधान द रेवोल्यूशन, और मेरे हिसाब से समाधान द रेवोल्यूशन ये नहीं मिलेगा, ये तो है नहीं करने, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स नहीं मिलेंगे, या तो रेवोल्यूशन मिल सकता है, समाधान मिल सकता है, अपने देश में भी सब कुछ हो सकता है, नहीं वो तो खैर हमें, हाँ हाँ बिल्कुल हो सकता है, हर चीज संभव है, डिपेंड करता है कुर्सी पे कौन बैठा हुआ है, डिपेंड करता है उसके दिमाग में अगर आएगा तो ठीक है, और उसी को कभी कभी उस कुर्सी वाले को समझ में ही नहीं आता क्या चीज है, हमने सीधी डप्पा लगाया दे दिया तो हमारा सही बात, हालांकि नेट पे तो मैं सभी फाइंड आउट कर सकता, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये तीन नाम हमने इतना अपग्रेड नहीं रखते हैं, और जो नहीं चाहिए वो चीज मिल जाती है, और जो चाहिए वो नहीं मिलती है, समाधान एक विकल्प, समाधान एक पहल, एक पहल दिया है अपन ने, हाँ समाधान एक पहल, समाधान द रिवॉल्यूशन, थर्ड थर्ड जो समाधान एक पहल विकल्प, ये चौथा भी लूप है दिन, समाधान और सिर्फ समाधान, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप जाएगा जब उनसे मैं सारी औपचारिकता की बात करूंगा, तो मेरे ख्याल में सर वो स्टाम्प फीस और उसको चालान फीस वो जो गवर्नमेंट हेड में जमा होगी जी, उस पर बात आएगी, हाँ उस पर करो ना, उस पर बात कर लीजिए, प्लस क्या है एक चीज और बात कर लीजिए कि अगले स्टेप में हम लोग इसका अकाउंट, जैसे हमें पता चल जाता है तो एक स्टैम्प बनवाए, ठीक है ना, और एक उनसे मिश्रा जी बता रहे हैं आप, उनसे कॉपी लेकर जब रजिस्टर्ड आएगा उसके बाद ही अकाउंट खुल पाएगा बैंक अकाउंट, अच्छा उसके पहले नहीं हो पाएगा, क्योंकि बैंक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में वो मांगेगी, अच्छा क्योंकि बैंक को इस तरीके की चीजों के लिए करंट अकाउंट खुलेगा, अभी उसमें हमारा जो कम्युनिटी होगी मेरे ख्याल में हम तीन साइनिंग अथॉरिटी, एक चीज और सभी जी पर डिस्कशन करते हैं, दिमाग में आ गई मेरे में, जो हमारे 5 एक्टिव मेंबर हो गए और 4 जो है वो मेंबर हो गए सर, 5 + 4 9, हाँ तो इसको कहते हैं आप ऑफिस बियरर हो गए, ऑफिस बियरर्स, और 4 हो गए मेंबर्स, 9 हो गए, इसमें
जो पैसे जमा करने हैं अपने को अकाउंट, किस तरह से चाहते हैं, कितने कितने पैसे हम लोग इनिशियली जमा करते हैं? अभी ये अकाउंट तो हम बैंक अकाउंट तो अभी नहीं खुल पाएगा, अभी तो हमको किसी एक को ट्रेजर प्रति एक से मतलब दिनेश जी हैं तो ये औपचारिकता दिनेश जी को करना है दे देंगे, तो हम सब अपना कंट्रीब्यूशन वहाँ दे देते हैं और दिनेश जी उसका हिसाब रखें कितना हुआ, बिल्स रखें, सारी चीजें जो भी हैं पूरा हिसाब रखें। अभी एक स्टेप तो हम यहाँ जाएंगे, अभी जब पहले उनसे डिस्कस कर लें वो क्या बताते हैं, उसके बाद नेक्स्ट मीटिंग में हम लोग की हमारा क्या कंट्रीब्यूशन आना चाहिए, उसके बाद फिर नेक्स्ट हमको सबके लिए पैसे की बार बार आवश्यकता लगेगी क्योंकि जब हम निकलेंगे। मेरा सजेशन है जो ये है वो ये है कि हम इनिशियली सभी के सभी 10,000 रुपीज तो हम लोग जो ऑफिस बेयरर है वो ले, और जो जो ये फोर मेंबर्स है ना 5,000 रुपीज जो है वो मेंबर्स से ले जो उसमें एक्टिव मेंबर है, और उसके बाद में जो भी ज्वाइन करे हमें 1,000 रुपीज की उनकी मेंबरशिप फीस कहेंगे या क्या कहेंगे, मेंबरशिप फीस, मेंबरशिप तो ये वन टाइम है नहीं एनुअली, तो क्योंकि फंड की जरूरत पड़ेगी हमेशा रहेगी नहीं हमेशा रहे, क्योंकि आप कोई भी प्रोग्राम करते हैं कहीं भी जाते हैं तो वो चीज है, सिर्फ हम मेंबर्स रखेंगे और फॉर्मल मेंबर्स भी रखेंगे, मतलब वो कहाँ से फंडिंग करेंगे, और भी कोई मान लीजिए जैसे कि इसमें सोसाइटी के मेंबर्स हो गए, फिर हम वर्कर्स को देंगे, जैसे मान लिया जो मेरे दिमाग में है पिक्चर, इस सीहोर को हम चार जोन में बांट देंगे, ठीक है ना, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, साउथ जोन, नॉर्थ जोन, ईस्ट जोन का एक इंचार्ज बना दिया, वेस्ट जोन का इंचार्ज बना दिया, एक साउथ जोन का बना दिया, एक नॉर्थ जोन बना दिया, ईस्ट जोन बना दिया, और उसको पूरी जिम्मेदारी दे दी गई, नाउ ही विल मेक द मेंबर्स, वो वहां पर उससे आप चाहे तो 500 रुपए कर सकते हैं या 1,000 रुपए कर सकते हैं, 500 रुपए जमा करें ना ही बिकम द मेंबर। मेंबर की रोल क्या है, उनको ड्यूटीज दी जाएंगी, जैसे मान लीजिए आप इस जोन में कोई प्रॉब्लम आई कोई भी, तो पहले वो वहां पर इंचार्ज है, ही विल इंटीमेट यू, इन टर्न यू विल इंटीमेट मी, और यू विल इंटीमेट गुप्ता जी, और इंटीमेट संतोष जी, और माखन, और कोई हुए बल्कि बीच में इंटीमेशन मिल गई, ना ही विल टेक द डायरेक्शन फ्रॉम वीपी से, हाँ भाई क्या करना है, कैसे, क्या प्रॉब्लम है, क्या उसको न्यूज वाले के पास जाना है, टीवी न्यूज वाले के पास जाना है, न्यूज़पेपर वाले के पास में जाना है, पुलिस की सपोर्ट चाहिए, किसी एडमिनिस्ट्रेटर की सपोर्ट चाहिए, इट मीन्स ही विल टेक द डायरेक्शन फ्रॉम अस फ्रॉम वीपी, एंड इन सपोर्ट ऑफ दैट, सपोज मान लीजिए यहां से किसी व्यक्ति को जाना है तो वो दैट पर्सन ऑल्सो विल गो टू हिम, और वो वहां से एक या दो चार लोगों को लेकर के वहां पर वो कहां पहुंचेगा, तो जो अपने पास में लोग वाग होंगे दैट ग्रुप दैट विल बी वर्किंग एज ए ग्रुप, दैट विल बी वर्किंग एज ए ग्रुप, एक ग्रुप की तरह से काम कर रहे हैं। मान लीजिए कल को अगर अपना कोई भोपाल में कोई प्रॉब्लम अगर आ गई, हमें लगता है पता चलता है भोपाल में है, तो यहां से एक व्यक्ति उनको लेकर के भोपाल जाएगा, हमारे पास सफिशियंट मैन पावर होनी चाहिए, कोई भी एक्सक्यूज ना हो, भाई मान लिया आपकी वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है, अब ये तो नहीं कि आपने इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़ करके आप वहां पे चले जाओगे, इन दैट केस गुप्ता सर विल टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी, और आई विल टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी, और संतोष और दिनेश और माकर दे विल टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी, एंड दैट रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होना चाहिए कि अकाउंटेबिलिटी, दैट पर्सन विल बी अकाउंटेबल फॉर दैट, ही विल बी क्वेश्चन्ड फॉर दैट, अभी आपने क्या एक्शन लिया, हाँ आप बिजी हैं वहां पे तो आपसे फॉर एग्जाम्पल मेरे समय नहीं आ रहा है, सो आई विल टेक द डायरेक्शन फ्रॉम यू, सर्वे जी प्रॉब्लम ये आ रही है इस तरह से, तो मुझे बताए क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं, सो नाउ यू विल, आपका आना जरूरी नहीं है, बट इन दैट केस यू विल हैव द डायरेक्शन, आप एक काम कीजिए सर, आप भोपाल में आप वहां पे जाइए न्यू मार्केट में, वहां पे मिस्टर स्वेटर्स जो हैं उनसे मिलिए, एंड योर जॉब विल बी डन, आई विल गो, आई लाइजन विद दैट पर्सन, तो वो जो ग्रुप बना रहे हैं हम हमारा, वो मेंबरशिप हम लोग चाहे तो हम इसको छोटा सा अमाउंट, और 500 रुपए तो बहुत नॉमिनल अमाउंट है, 500,000 से थोड़ा ठीक है, 1,200 रुपए मेरे ख्याल में मेंबर क्या कर रही है,
भी मुझे लगता है बहुत कम नहीं है या ज्यादा नहीं है, लेकिन फर्जों में भी बिल्कुल फिल्टर होके ही आएगा व्यक्ति। नहीं इसमें और भी जैसे मेंबर के बाद एक और कोई सा वो देख के इसमें और जैसे फीस जैसे 500 है इसको 200 या 100 फॉर्मल मेंबर को फॉर्मल मेंबर उसमें आप उसको जोड़ सकते हैं, मतलब फॉर्मल मेंबर करके कुछ कर दो ना, इसका कोई रोल नहीं होगा। मैं ये कह रहा हूँ असल में क्या 500 इससे बोला था क्योंकि आपको पैसे की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। नहीं इनिशियली आपको पब्लिकेशन चाहिएगा इसको इसको मैं पता है सर जो मेरे दिमाग में विचार चेयरमैन आप हैं लेकिन मैं पीछे धक्का मारता हूँ आप इतना मत करो, इसलिए तो मैं पीछे खड़ा हूँ। वेबसाइट बनवाने का दिमाग है मेरे में, वेबसाइट बनाना मतलब खर्च है ना कम से कम 10 से 12 हजार रुपये लगेंगे। देन उसके बाद में इसको वेब फेसबुक ट्विटर उस पर डालने का मेरा प्रोग्राम है। हमारी समाज जो संस्था है फटाफट फेसबुक पर ट्विटर पर ठीक है ना और वेबसाइट पर सब पे आ जाएगी। एक बच्चे को जो कंप्यूटर वाला होगा ना उसको जिम्मेदारी दी जाएगी कि बेटा आपने रोजाना के कमेंट्स इस पे डालने हैं। आईटी आईटी चैनल अलग तैयार होता है, मतलब मेरे दिमाग में ऐसी नहीं है कि रफ नहीं है ये, मतलब बहुत इमेज क्लियर है इसके बारे में। और फिर देखें आप इसमें कितना आपको रिस्पॉन्स मिलने वाला है। इन केस अगर हमें ये लगता है इसमें हम संविधान में कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल माखन है ये बच्चा पढ़ रहा है ठीक है ना, ये 500 रुपये नहीं दे सकता कोई बात नहीं मत दो नॉट वर नो प्रॉब्लम। हमें इसी से पूछना है आर यू एबल टू पे, पे कर सकते हो खुशी से कितना कर सकते हो 200 रुपये कर दो बन जाओ, आपको मेहनत करनी है बेटा पैसे कोई बात नहीं, पैसे की ऐसी बात आएगी ना ऑर्गेनाइजेशन विल पे फॉर इट, मनी इज नॉट अ क्रेडिट। पैसे की अगर किसी के सामने दिक्कत है तो पैसे की वजह से उसकी सर्विसेज को हम लोग ठुकराएंगे नहीं, उसकी सर्विसेज लेकिन लेंगे कैसे, उसका प्रावधान कुछ करना पड़ेगा प्रोविजन डालना पड़ेगा। मान लिया अगर वो व्यक्ति है ऐसा काम उसके हम बैकग्राउंड को देखेंगे उसकी एनर्जी को देखेंगे, अगर वो प्रॉमिस करता है हाँ मैं काम करने के लिए तैयार हूँ मेरे पास फिलहाल पैसे नहीं है। सर परेशानी ये है ना कि फिर जहाँ फ्लक्चुएट हुए वो परेशानी नहीं उत्पन्न होती है, मतलब आप नियम अगर कोई चीज बना रहे हैं तो वो फिर हार्ड एंड फास्ट ही होगा, वो परेशानी वहां फिर उत्पन्न होगी कि अगर मतलब आप उसे अदरवाइज मत कीजिएगा, वो माखन ने अगर नहीं पे नहीं करा तो फिर मुझे ऐसा लगेगा यार माखन बिना पे करे नंबर है मेरी तो उतना बिकर हालांकि मैं कर सकता हूँ कैसे कर पाएंगे फिर, मतलब वो एक माननीय व्यवहार बता रहा हूँ सर मैं कि ये आज नहीं आ रहा लेकिन कल को फिर मुझे नेक्स्ट ईयर 10,000 देना उस समय फिर मेरे दिमाग में आ सकता है, आज नहीं आ रहा है कल को किसी और के दिमाग में ये बात आ सकती है या मेरे दिमाग में भी आ सकती है, तो वो हम कैसे पीछे रखेंगे सर बार बार फिर बताइए सोल्यूशन बताइए मतलब या तो फिर सबके लिए एक जैसा रहेगा कि हाँ वो मतलब पैसे दे अगर हमको देना ही है कॉन्ट्रीब्यूशन अपना देना है, या फिर वो एक व्यक्ति को भी अगर हमने करा आप क्या कहते हैं डॉक्टर सर वो तो है रूल्स अगर टूटना शुरू है तो कहीं ना कहीं काम कहीं भी हम आपको लग रहा 500 रुपये ज्यादा है क्या नहीं सर ये 500 के बाद एक और रखना चाहिए उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है एक तरह से कॉन्ट्रीब्यूशन दिया मतलब उसको कहीं लगता है और आ भी जाऊं नहीं भी आ जाऊं मेरी मर्जी मतलब मैं बंधा हुआ नहीं। तो फिर एक काम कर सकते हैं फिर एक काम कर सकते हैं 100 रुपीज पर मेंबरशिप ले लो ठीक है ना 100 रुपीज मेंबरशिप ले लो, उसके बाद में जैसे कि मान लीजिए अगर उसको जोन इंचार्ज बनाना है तो भैया तो 1,000 रुपए दे दे जोन इंचार्ज जोन इंचार्ज के लिए फर्स्ट जोन सेकंड समझे ना, तुझे मान लीजिए अगर 50 आदमी का तूने ग्रुप इकट्ठा कर लिया ठीक है ना यू जस्ट मेक 50 पीपल ठीक है ना हम तुझे जोन इंचार्ज बना देंगे विदाउट एनी फी, ऐसा भी कर सकते हैं मत लीजिए पैसा वहां से क्योंकि जब 50 आदमी दे रहा है वो तो 50 आदमी का मतलब ये 5,000 रुपए हो गए, सौ रुपए से 50 का 5,000 रुपए हो गए ना सर
तो बहुत से नो प्रॉब्लम, जहां मैं 1000 चाहिए 5000 रुपये दे रहा है वो सर। मतलब मेरा मेरा यहाँ पर सुझाव है कि हम 500 रुपये मेंबर्स के लिए। मेंबर्स कौन से सर? मेंबर्स जो अपना कुछ भी कंट्रीब्यूशन मतलब योगदान किसी हम मेंबर्स मेंबर्स जो एक्टिव वाले मेंबर्स या नॉन एक्टिव हैं? नॉन एक्टिव मेंबर्स ओके। ये तो आपने जो ऊपर बताया ये तो ठीक है, जो बरकरार है ठीक है। मतलब किसी भी व्यक्ति से कोई भी अगर हमें जुड़ता है तो उसको भले भी तो 500 रुपए देगा। और एक फॉर्मल मेंबरशिप रख लेते हैं हम। हां फॉर्मल 100 रुपए ऐसा कुछ कर लेते हैं, जो कोई भी व्यक्ति 100 रुपए शिक्षा से दे दे और वो जोन के जोन का जो जो भी हेड है उसके अंडर में रहेगा वो फॉर्मल मेंबर। मतलब पर वो नहीं फॉर्मल मेंबर एक्टिव नहीं हो सकता ना, वो परेशानी है। ये मुझे लगता है 500 भी बहुत लोग नहीं नहीं दे पाएंगे। मतलब ये छोटा शहर है, यहाँ की जो मानसिकता पैसे को लेकर बहुत ज्यादा में छोटी है। आपको क्या लगता है प्रैक्टिकली तो टफ जॉब है सर, 500 रुपीज टफ जॉब है प्रैक्टिकली। बेसिकली आप लेके चले 100 रुपीज रजिस्ट्रेशन अगर आप लेके चलते हो, इनिशियली हमें लोग चाहिए, कर्मठ लोग चाहिए। फंड की प्रॉब्लम है, फंड की प्रॉब्लम अपन थोड़ा सा कर रहे हैं इस पे। अपन जो एक्टिव मेंबर्स जो फाउंडर मेंबर्स जो रहेंगे वो कर ही रहे हैं। उसके अलावा सर अगर हमारे पास मास करेक्ट होता तो आप जैसे सर 500 रुपीज देने वाले लोग भी अपने को मिलेंगे, ऐसा नहीं है मिलेंगे, हाँ, 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 लेकिन मिलेंगे, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो एक्टिवली ही काम करेंगे। हाँ, अगर हम सोलो सर एक काम कर रहे हैं, मेरे में आइडिया आ रहा है, हमने 9 लोग ले लिए इसमें ठीक है सर, 9 में 50,000 रुपये तो हमारे पास एक आ गए, 5 से आ गए ठीक है सर, 50 तो हमने 5 4,975 75 हो गए है ना, और 25 जो 25 चौके 20 70 रुपये आ गए ना, 4 ही तो आए ना, 4 नीचे ना, 4 ही है ना, तो 50 और 4 20 70,000 रुपये दिए आ गए ठीक है ना सर, 70,000 रुपीज। जो आउटर लेयर है जो जो बनेगी उसका हम रिवर्स कर देते 5,000 रुपीज एक का, 2,000 रुपीज एक का, 5,000 रुपीज जो है जो चेयरमैन में होंगे उनको 5,000 रुपए और जो वाइस में होंगे उनको 2,000 रुपए। तो इस तरह से 5×25 और 2×8 8,000 रुपीज, तो यानी 33,000 33 और ये यानी अपने पास में 1,00,000 रुपए के आसपास आ गया ठीक है ना। 1,00,000 रुपए में हमारा स्टार्टिंग में काम हमारे हो जाएगा, बिल्कुल बहुत अच्छे है ना सर, बिल्कुल। मेंबर्स फी जो है वो 100 रुपीज रख दिया, और कुछ एक डोनेशन वाला क्लॉज भी कर दीजिए ना सर। वो तो करना ही है सर, वो तो करेंगे, वो तो करेंगे हम जाएंगे ना लोगों के पास में कॉन्ट्रीब्यूशन। 100 रुपीज मेंबरशिप रख दीजिए, व्होएवर वांट्स वो 100 रुपीज दे करके हमारी संस्था को ज्वाइन कर सकता है ठीक है ना। और अगर कोई 50 आदमी को लेकर के आता है तो उसको जोन मैनेजर बना दिया जाएगा, जो इंचार्ज बना दिया जाएगा, इस तरह से उसका पोर्टफोलियो देखते हैं। जैसे मान लिया पहले उसको जोन अध्यक्ष बना दिया गया, जोन सेक्रेटरी बना दिया गया है ना, या जोन ट्रेजर बना दिया गया, भाई कलेक्शन सुन करके तुम वहां से लेकर के आओगे, यहाँ पे हम कलेक्शन करके दोगे ठीक है ना, उनको जो अपनी रिसीट है ना पैसे वाले उनको पकड़ा दी जाएंगी, आप लाइए कलेक्शन करके हमें दे दिया, इससे उनको इंचार्ज बना दिया जाएगा। 100 रुपीज पर रखिए नो प्रॉब्लम, क्योंकि इनिशियली हमारा 1,00,000 में काम हो जाए, 1,00,000 में आपकी वेबसाइट भी बन जाएगी और हम लोग थोड़ा सा प्रिंटिंग विंटिंग का जो मटेरियल हम बनाना चाहते हैं वो भी हम बना देंगे, रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन चालान भी जो है ना वो सब जमा करना पड़ेगा, एडवोकेट की फीस और वो सब सारी चीजें सब है। और इन केस अगर लगेगा और कंट्रीब्यूशन तो हम ही करेंगे, कर लेंगे अगर इन केस लगेगा तो जो जो इंटरनल उसमें है ना ग्रुप के अंदर है वो ही हम लोग ही करेंगे, हो सकता है 10 की जगह 12 करना पड़ जाएगा, 15 करना पड़ जाएगा, उसको डिवाइड कर दो कर विल डिवाइड। नेक्स्ट आएगा स्टेप सर, फिर एक रजिस्टर्ड एड्रेस ठीक है सर, ये सही है ना, अब रजिस्टर्ड एड्रेस देना होगा हमको, तो रजिस्टर्ड एड्रेस या तो अपने घर का दे दीजिए या यहाँ का दे दीजिए,
कोई कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस वो जो परमानेंट हो ऐसा कुछ दे रहे, बार-बार को बदलना ना रहे, परमानेंट रखा ही दे रही कोई भी हो वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक ऐसा एड्रेस हो जो, क्योंकि कोऑर्डिनेशन वगैरह जो भी होगा। मैं ये चाह रहा था जिससे मान लिया कहीं भी हो एक बोर्ड लग जाए उसका और वो विजिबल, मतलब कहीं दिखने वाली जगह हो तो ज्यादा अच्छा है। गैदरिंग तो मान लिया बहुत अच्छी है, ये तो बहुत, ये भी जरूरी बोर्ड। मैं वही कह रहा था कि बोर्ड का ऑफिस यहाँ का, उसमें एक समस्या बस यही वो परमानेंट हो बस। पेज चेंज हो जाता है वो तो चलता रहता, सोसाइटी जो एनजीओ होते हैं ना इनिशियली एड्रेस एक का होता है, उसके बाद में उसके लिए अपन एक एड्रेस रजिस्टर्ड एड्रेस चाहिए, उनको बैलेंस चाहिए, नाम चाहिए, वो और तो होता रहता चीज ऐसा। या अभी ये काम कर सकते हैं, आपके अपना परमानेंट एड्रेस दे देते हैं ठीक है ना, और टेम्प्रेरी एड्रेस में इसका दे देंगे। हाँ, दोनों एड्रेस दे देंगे, ऑप्शन नहीं होता शायद इसमें, नहीं होता ना सर, एक ही रजिस्टर में एक ही होता। नहीं वो क्या है उनको, उनका जो हर जगह पे जो वो बोलते हैं कि जहाँ भी आप पत्राचार करें या पत्र रजिस्टर्ड एड्रेस चाहिए होता है, और एक रजिस्ट्रेशन नंबर, ये बार बार आपको सभी जो उसमें तो ये काम कर सकते हैं, उसको बाद में चेंज भी कर सकते हैं, इसको करते हैं फिर बाद में उनको एक इंटीमेशन दे देंगे। इंटीमेशन तो हमें वैसे भी देना पड़ेगा उनको, इंटीमेशन तो हमें उनको हर साल भी देना है, इसकी आईटीआर भी अपने बनवानी है, पैन कार्ड भी इसका बनवाना है, एड्रेस रखते हैं ना, यही एड्रेस रखते हैं, जब भी में कुछ होगा तो हम उसको फिर करना है तो फिर देखेंगे, इंटीमेशन दे देंगे। और मेरे ख्याल से टीम का एक बैलेंस हो ही जाएगा, आप जब बैलेंस में बना करके इसके जो आएंगे मैं उनको दे देता हूँ, या फिर एक काम भी कर सकते हैं कुछ बायलॉज उनसे ले लिए जाए पहले, उनके पास तो सर एक फॉर्मेट है छपा छपाया, वो सब उसमें बहुत बहुत लंबा चौड़ा रहता है, बहुत कुछ है मेरे पास, ये कुछ रखा हुआ है, है? सोसाइटी का ना एनजीओ का जो है ना, हाँ एक वो है, वो मैं लेके भी आया टाइप की है मेरे पास, आप मुझे दे दीजिए उसमें देख लेंगे, कुछ ओवर होगा तो उससे ले लेंगे, कुछ अपना बना लेंगे, मिक्स करके ऐसे कर देंगे। मुझे कॉपी दे दी सर, आप मैं इसको फाइनल कर देता हूँ, मैं उनसे पूछ लेता हूँ कि फीस वगैरह कितना क्या लग रहा है। जी 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 एक फीस का, एक दूसरा क्या है अपना नाम का, वो दो नाम के जो उपयोगी होंगे ना वो सारे बैलेंस में आप फिर ले लीजिएगा सर, उनका सब एक छपा छपाया सभी के लिए है उसमें, मतलब आ रही है। ठीक है मैं इसको देख लूंगा, कुछ मेरे पास भी पड़ी हुई है उसको भी मैं देख लूंगा, दोनों से जो भी कंबाइन होगा उसको बना करके और रखता हूँ। तो मेरे लिए तो एक काम हो गया सर, मुझे उनसे डिस्कशन करना है और मैं आगे की कार्रवाई के लिए करता हूँ। अपन नेक्स्ट कब बैठेंगे, मुझे इजाजत हो संडे को, संडे संडे एक बजे के आसपास, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, क्या करेंगे एक बजे वही आ रहा, तो उस बीच में मैं उनसे सारी वो चर्चा कर लेता हूँ उसी हिसाब से। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप भोपाल आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, अगर आपको परेशानी ना हो तो इस बहाने से थोड़ा घर भी देख लेंगे, मुलाकात भी हो जाए, अगर परेशानी ना हो तो, नहीं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं आ जाऊँ। थोड़ा सा टाइम अपन फिर भोपाल के संडे को, मतलब फिर हम लोग कोऑर्डिनेट कर लेंगे और सर से बात कर लेंगे संडे को, हम सैटरडे को भी बात कर लेंगे कि हम 12:30 पे निकल रहे हैं तो फिर हमको 12:30 सर के पास पहुंचना है, मतलब यहाँ से करीब 11:30 फिर सर के पास अपन 1:30 बजे तक पहुंचे, नहीं 12:30 आधे घंटे का रास्ता है, ये जो टोल बना
एक बजे आ जाइए, खाना वाला सब वहीं पे खाते हैं, ठीक है। एक बजे का टाइम फिक्स रख लेते हैं। यहाँ से टोटली 25 से 30 मिनट का रास्ता संडे हम लोग क्योंकि हम मेरे ख्याल में 12:30 खाने का टाइम होगा उस टाइम पर, फिर खाना 2:30-3 बजे जाएंगे। ऐसा ऐसा खाने का ये है कि घर में वैसे हाँ खराब चल रही तो फिर कभी नहीं, वो देख लूंगा मैं। अगर नहीं, अगर परेशानी होगी ना तो मैं कह दूंगा भाई देखो खाने का नहीं है, खाने का नहीं, खाना खा के आना, ऐसी कोई बात नहीं है। संडे बैठे सर, उसके पहले मैं वकील साहब से बात। हाँ, इसकी मैं ये कि 1 या 2 बजे के आसपास इसकी मैं ड्राफ्टिंग कर लेता हूँ, ड्राफ्टिंग करके ना, और जो भी इसका फाइनल रूप आता है वो मैं आपको उसको मैं तैयार कर सकता हूँ। ठीक है सर, चलिए सर। स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप मर रहे हैं एक स्टेप आगे कम से कम धीरे 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 करके ना।